हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये जो प्रश्न है ये उत्तराखंड राज्य की होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि UKPSC, UKSSC और उत्तराखंड राज्य की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जॉब्स और एडमिशन के लिए, उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पे PDF के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने जो कैंडिडेट्स PDF के द्वारा नोट्स मंगाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 9411513974 और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर एग्जाम की स्टडी के लिए। नंबर है 9411513974, अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा, वो मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। राहुल गुप्ता के नाम से आप मुझे अनअकैडमी में सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। अब मैं उत्तराखंड GK से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 83, इससे पहले मैंने 3 वीडियोज बनाए जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 82 तक है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि पिछले और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है, राज्य में किस ऋतु को बसकयाल भी कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य में किस ऋतु को बसकयाल भी कहा जाता है? इसका उत्तर है शरद। उत्तराखंड राज्य में शरद ऋतु को बसकयाल भी कहा जाता है। प्रश्न 84, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है योंद। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में योंद कहा जाता है। प्रश्न 85, निरंतर हिमाच्छादित जलवायु कटिबंध कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका उत्तर है 300 से 900 मीटर। 300 से 900 मीटर पर निरंतर हिमाच्छादित जलवायु कटिबंध स्थित होता है। प्रश्न 86, अधिकतर चारागाही मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका उत्तर है शिवालिक की पहाड़ियों में। अधिकतर चारागाही मिट्टियां शिवालिक की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। प्रश्न 87, राज्य में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान कितना है? इसका उत्तर है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड राज्य में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है। प्रश्न 88, सबसे कम वर्षा होती है? उत्तराखंड राज्य में सबसे कम वर्षा बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है। बृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है उत्तराखंड में। प्रश्न 89, कौन सी मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, क्वार्ट्स, टर्सरी, तराई, इनमें से कोई भी मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में नहीं पाई जाती, भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 90, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें बता रहे हैं कौन सा असत्य है। ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक तापमान शिवालिक क्षेत्र में रहता है। बी, शिवालिक हिमालय का वह स्थान नरेंद्रगढ़ टिहरी है जहाँ सामान्यता सर्वाधिक वर्षा होती है। सी, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में होती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो असत्य कथन है यह है ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक तापमान शिवालिक क्षेत्र में रहता है। प्रश्न 91, नैनीताल, मसूरी तथा चकरौता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मिट्टी है। इसका उत्तर है भस्मी मिट्टी। भस्मी मिट्टी नैनीताल, मसूरी तथा चकरौता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित आर्द्रता ग्राही और उपजाऊ मिट्टी है। प्रश्न 92, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है कोटद्वार। कोटद्वार संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र है। प्रश्न 93, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? इसका उत्तर है दो प्रकार के। उत्तराखंड में दो प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं। प्रश्न 94, भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है? इसका उत्तर है रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियां रुद्रप्रयाग स्थान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। प्रश्न 95,
अलकनंदा नदी किस स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है? इसका उत्तर है कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी कर्णप्रयाग नामक स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है। प्रश्न 96, सुसवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? इसका उत्तर है सोंग। सुसवा सोंग नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रश्न 97, निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? यहां बताना है कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है। भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपात ताल, डोडी ताल। तो इसका उत्तर है भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है। प्रश्न 98, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है? इसका उत्तर है द्रोण सागर। द्रोण सागर उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। प्रश्न 99, भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रभावित होती है? इसका उत्तर है काली नदी। काली नदी भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर प्रभावित होती है। प्रश्न 100, निम्नलिखित किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? इसका उत्तर है यमताल। यमताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है। प्रश्न 101, निम्न में से किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है? इसका उत्तर है यमताल। यमताल झील में सदैव बर्फ जमी रहती है। प्रश्न 102, रूपकुंड झील किस नदी किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में जिले में रूपकुंड झील स्थित है। प्रश्न 103, ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है हिरण्यवती। हिरण्यवती ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम है। हिरण्यवती ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम है। प्रश्न 104, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? इसका उत्तर है रामगंगा कोसी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा कोसी नदी तटों के मध्य स्थित है। प्रश्न 105, निम्नलिखित ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? इसका उत्तर है पोंटिंग ग्लेशियर। पोंटिंग ग्लेशियर जो है उसकी ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक है। प्रश्न 106, उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? इसका उत्तर है मृदा क्षरण से। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा मृदा क्षरण से है। प्रश्न 107, सुरंग कंठ क्या है? इसका उत्तर है ये सुरंग कंठ क्या है, नदी है, पर्वत है, दर्रा है, कटक है? इसका उत्तर है कटक। सुरंग कंठ कटक है। प्रश्न 108, निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? इसका उत्तर है बयाताल। बयाताल ताल का पानी उबलता हुआ है। प्रश्न 109, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है? ए श्रीनगर, बी उत्तरकाशी, सी कीर्तिनगर, डी कर्णप्रयाग। इसका उत्तर है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर नदी वेदिका पर स्थित नहीं है। प्रश्न 110, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? इसका उत्तर है गंगा नदी। कुमाऊं व नेपाल को गंगा नदी अलग करती है। इस वीडियो में मैंने आपको उत्तराखंड राज्य के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। मैं अपने चैनल पे विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे KSSC, बैंक, रेलवे, IAS, PCS, NDA, CDS और जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।